आज की वीडियो में मैं आपके लिए ट्रैक पैंट लेकर आया हूँ, बहुत ही अच्छी अच्छी, जिस पे मैं आज आपको रिव्यू दूंगा कि इसका फैब्रिक वगैरह कैसा है, आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, क्वालिटी वगैरह कैसी है, सो सभी आज का आपके साथ शेयर करूंगा। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जो हमारी सबसे पहली ट्रैक पैंट है ये देख सकते हो आप, ये हाईलैंडर की है। सो इसका फैब्रिक वगैरह बहुत ही सही यूज़ कर रखा है और डिज़ाइन वगैरह देख सकते हो आप, देख सकते हो डिजाइन वगैरह कितना अच्छा यूज कर रखा है इस पे। और सबसे मेन बात की बहुत ही सही प्राइस में मिल रही हैं, जो कि आप मिंत्रा से ऑर्डर कर सकते हो, लिंक वगैरह मैं आपको दे दूंगा। और डिजाइन वगैरह देख सकते हो कितना अच्छा है, और पहनी भी देख सकते हो आप कितनी अच्छी लग रही है, फिटिंग वगैरह भी इसकी प्रॉपर ओके है। हाँ, बस थोड़ा सा व्हाइट कलर है, ऑफ व्हाइट कलर में है। सो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये थोड़ी गंदी वगैरह थोड़ी ज़्यादा होगी, सो कलर आप देख के जाना थोड़ा। बाकी मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊंगा और कलर में भी हमने मंगा रखे हैं, सो वीडियो क्लास आपको जरूर देखें। ये आपको 500 रुपये में मिल रही है सिर्फ, उस हिसाब से इसकी क्वालिटी वगैरह बहुत ही सही यूज़ कर रखी है। इन्होंने कॉटन यूज़ कर रखा है तो बहुत ही सही है, पहनी हुई भी बहुत ही अच्छी लग रही है। मैं जिम में भी इसको यूज़ किया है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है गाइस, इसके लिए आप जरूर जा सकते हो, इसको आप जिम में भी पहन सकते हो, रनिंग के लिए भी पहन सकते हो। सो डेट्स इट गाइस, हम करते हैं अपनी नेक्स्ट लोअर की बात, जो कि हमारी दूसरी ट्रैक पैंट है, देख सकते हो ये, जो मेरे भाई डेली यूज़ करना चाहते हैं उनके लिए है, ब्लैक कलर में, ये भी हाईलैंडर ब्रांड की है। सो ये इन्होंने भी बहुत ही अच्छा फैब्रिक यूज़ कर रखा है, 30 कमर में मंगा रखी है, देख सकते हो आप कितनी अच्छी लग रही है। ये साइड में भी बहुत अच्छी दे रखी है, पहनी हुई है जो भी बहुत ही मस्त लग रही है। ये पूरा व्हाइट कलर नहीं है, ऑफ व्हाइट कलर है, जिसकी वजह से ब्लैक और व्हाइट बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी निकल के आ रही है। लेकिन इसमें एक दिक्कत आएगी, जो कि इन्होंने कॉटन यूज़ कर रखा है, सो इसकी वजह से एक तो इसका सबसे पहली जो दिक्कत है इसमें कि ये इसका कलर जाएगा, जो कि प्योर ब्लैक है ना, इसका कलर थोड़ा सा लाइट होता जाएगा धीरे धीरे, जैसे कि आपको पता है कॉटन का कलर जाता है, इसका थोड़ी वॉश के बाद कलर जरूर जाएगा। एंड बाकी चीज़ें कि इसमें फैब्रिक तो सही है और इसमें एक थोड़ा बूर आने की भी दिक्कत आ सकती है, जैसे कि ये कॉटन है तो इस पर थोड़ा बूर वगैरह भी आ सकता है, वो अभी हम इतना यूज़ करा नहीं, इसको हमने भी इसको बस 2 या 3 टाइम ही डाला है अभी तक तो ठीक है, बाकी नेक्स्ट फ्यूचर में जाके आ सकता है। उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि नीचे फैब्रिक वगैरह थोड़ा ऐसा दे रखा है ना, जैसे कि बूर आएगा ऊपर, तो उस टाइप का फैब्रिक है। तो बाकी पहनी हुई बहुत ही सही है, आप इसको डेली पहन सकते हो, ऐसा कलर है ये ब्लैक। एंड जो हमारी लास्ट ट्रैक पैंट है वो ये ब्राउन कलर में है, देख सकते हो इसका भी मैं दिखाता हूँ आपको कैसी है कैसी नहीं है। ये कैच ब्रांड की है, देख सकते हो आप, ये थोड़ी ना स्ट्रेट फिट में नहीं है, ये थोड़ी नैरो में आ जाती है, जो इसका फैब्रिक हमें थोड़ा सही लगा तो इसलिए हमने ऑर्डर कर ली। और फिटिंग वगैरह थोड़ी आप देख सकते हो पहनी हुई कैसी लग रही है। सो कोई कोई मेरे भाई अभी भी ऐसी लोअर पहनते हैं, सो उनके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगी क्योंकि इसका फैब्रिक बहुत ही सही है, ज़्यादा स्ट्रेट फिट है, वैगी लोअर नहीं पहनना चाहते उनके लिए बहुत ही अच्छी ऑप्शन रहेगी। सो वो मेरे भाई जा सकते हैं इसके लिए, ये भी हमने एम साइज में मंगाई है, 32 में मंगाइए, थोड़ा साइज बड़ा है हमारे, सो ये नैरो है, थोड़ी एक साइज बड़ा ही लेके जाना, जैसे अगर आपको 30 आता है तो 32 ही मंगाना, जैसे कि मैं नॉर्मली 30 मंगाता लेकिन हमने 32 मंगाई है। ये हमारे पूरी ओके आई, फिटिंग हमारी इसके पूरी सही आई है और इसका जो MRP उन्होंने 1800 रुपये दे रखा है, ये भी आपको 600-700 रुपये की रेंज में मिल जाएगी, सो आप इसके लिए भी जा सकते हो गाइस। सो डेट्स इट गाइस, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहते हो, और अगर ये लोअर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट गाइस।